Now, let's start discussing 15th problem. 15th problem पहले करेंगे आप. जिस आप कर रहा हूं let's read 15th problem. A solid sphere of mass 0.5 kg is kept on horizontal surface. Solid sphere is bar. पिछले प्रॉब्लम में शेल था, इस बार सॉलिड स्फीयर है. इन बातों को बड़े ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि इन्हीं पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है. द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड कॉन्टैक्ट इज 2/7. वॉट मैक्सिमम फोर्स एट हाइएस्ट पॉइंट कैन बी अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो दैट स्फीयर डज नॉट स्लिप ऑन द सरफेस. मैंने पिछला वाला सवाल अभी अभी कराया है. व्हाई नॉट इस प्रॉब्लम को अगले 3-4 मिनट तक आप लोग स्वयं पहले ट्राई करो, फिर मैं समझाना चाहूंगा. क्योंकि पिछले वाले सवाल में मैंने कंसेप्ट तो अच्छी तरह से समझा दिया और अब उसी सवाल में एक हल्का सा मॉडिफिकेशन करके दिया गया. नाउ यू पीपल्स आर सपोज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट दिस स्टेज. अभी भी यदि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताने की आवश्यकता पड़ गई, आई एम सॉरी टू से यू आर नॉट एलिजिबल इन दैट केस. पिछले वाले सवाल को समझाने के बाद भी यदि इस सवाल को मुझे करना पड़ जाए और आप लोग नहीं कर पाए तो आप लायक ही नहीं है. बिल्कुल साफ कहूंगा, आप ना लायक हैं. आईआईटी जेई में या इस तरह के एग्जामिनेशन में आप नहीं क्रैक कर पाएंगे. इसी समय में 3-4 मिनट का समय देता हूं. आप लोग इस सवाल को करने की कोशिश करो, मैं सवाल को समझा देता हूं. सॉलिड स्फीयर है, मास कुछ दे रखा है, मास इज 0.5 केजी, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दे रखा है 2/7. टॉप मोस्ट पॉइंट पर कितना मैक्सिमम फोर्स लगाया जाए, व्हाट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस टॉप फोर्स व्हिच शुड बी अप्लाइड एट टॉप मोस्ट पॉइंट. इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. So that is, sphere does not slip on surface. ये जो sphere है, इस surface पर slip नहीं करे. इसके लिए कितना maximum force वहां पर लगाया जा सकता है, इसी समय यह बात सोचकर calculate करके बताइए. 4-5 मिनट का समय मैं आपको दूंगा, उसके बाद समझाना चालू कर दूंगा. चलिए मैं इसे समझाता हूं. एक बार बड़े ध्यान से सुनिए, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किस तरह से हम थॉट प्रोसेस बनाते. सबसे पहले खास बात, पिछले प्रॉब्लम और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी. पिछला वाला प्रॉब्लम भले ही शेल के लिए करा गया है, मगर उसी तरह का कुछ कंसेप्ट सॉलिड स्फीयर के लिए भी बनाया जा सकता. सॉलिड स्फीयर में भी एक पर्टिकुलर हाइट ऐसी होगी, उस हाइट पर फोर्स लगाया जाए तो वहां प्योर रोलिंग हमेशा होगा, फ्रिक्शन हो या नहीं. मगर जब यह फोर्स स्फीयर के टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाई जा रही है तो इस फोर्स की वजह से सेंटर के अबाउट टॉर्क कुछ ज्यादा ही मिलेगा. यह जो टॉर्क मिलेगा यह क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा. यह फोर्स जो सेंटर से काफी दूरी पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस काफी ज्यादा होने की वजह से दिस फोर्स वुड प्रोवाइड
लार्ज टॉर्क विच वुड रोटेट द बॉडी बाय लार्ज एक्सटेंट, जिसकी वजह से अल्फा काफी अधिक हो सकता है यदि फ्रिक्शन नहीं हुआ तो यह फोर्स इस बॉडी को काफी अधिक एक्सीलरेट करने लगेगा, एंगुलर एक्सीलरेट करने लगेगा, जबकि इसकी वजह से एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। एक्सीलरेशन जितना होना है उतना तो होना ही है, मगर एंगुलर एक्सीलरेशन कुछ ज्यादा हो जाएगा। इस जगह पर यदि फ्रिक्शन नहीं हुआ तो वहां रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन की कंडीशन बन जाएगी, और यह पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का बैकवर्ड स्लिपिंग होने लगेगा। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन को समझना। जिसने फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन को सही तरीके से समझ लिया वो इस सवाल को कर लेगा, और जिसने फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन को सही तरीके से नहीं समझा वह इस सवाल को कभी भी नहीं कर पाएगा। तो एक बात समझे, फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जनरली क्या होता है, एक जनरली टेंडेंसी होती है कि फोर्स यदि इस तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा हम अपोजिट डायरेक्शन में लगा दें। बहुत ज्यादा सोचते समझते नहीं है वो, तब जब ट्रांसलेटिंग बॉडी हो, ब्लॉक हो, यदि इस तरह का ब्लॉक कोई होता उस ब्लॉक को ऐसे खींच रहे होते तो निश्चित फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगता, मगर अब यह ब्लॉक नहीं है, यह एक स्फीयर है जो रोटेट कर सकता है, और यह फोर्स जिस तरह से लग रहा है यह फोर्स काफी अधिक टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और इसकी काफी अधिक टॉर्क प्रोवाइड करने से इसकी वजह से अल्फा ज्यादा होगा, और अल्फा ज्यादा होने की वजह से ऐसे रोटेट ज्यादा करेगा, और ऐसे रोटेट ज्यादा करने की वजह से ट्रांसलेशन कम पड़ जाएगा, यह पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पीछे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पीछे की तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा, और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बैकवर्ड स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए वहां फ्रिक्शनल फोर्स आगे की तरफ लगने लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस प्रॉब्लम में बस यही है, फ्रिक्शनल फोर्स के डायरेक्शन को सही से समझना, और उसको समझ के अपनी बॉडी डायग्राम बनाते समय पहले से ही इस फोर्स को लगा देना। इसके अलावा वहां पर जो फोर्स है mg, और इसके अलावा वहां पर जो फोर्स है नॉर्मल रिएक्शन, इन सभी फोर्सेस की वजह से यह स्फीयर a से एक्सीलरेट कर रहा है और अल्फा से इसका एंगुलर एक्सीलरेशन है। इस स्फीयर पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर यह फोर्स एक्सटर्नल फोर्स f लग रहा है, जिसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू डिटरमाइन करनी है सो दैट फोर्स इज इक्वल टू अल्फा प्योर रोलिंग होता है। सबसे पहले यह फ्री बॉडी डायग्राम बना लेना जरूरी होता है। यह फ्री बॉडी डायग्राम सबसे पहले बना लेना जरूरी। अब हम कुछ इक्वेशंस लिखने लगते हैं। नॉर्मल रिएक्शन वुड बी इक्वल टू mg। पहले स्टेप में इस इक्वेशन का कोई खास काम नहीं है, मगर आगे जाकर यह इक्वेशन काम आएगी। हम एक और बात लिख देते हैं, यदि क्योंकि मैक्सिमम फोर्स की बात चल रही है इसलिए मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स पर आना पड़ेगा। इस सिचुएशन में हम मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर मैक्स भी क्यों ना लिखी दे, जो इसी से समझ में आएगी। मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू म्यू एन, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया हुआ है, और एन जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज म्यू एम जी,
ऑल्दो इस मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स का इस्तेमाल हम सबसे आखिरी में करेंगे, अभी नहीं करेंगे। इसको तो ऐसा कैसे भी लिखा हुआ छोड़ दो बस। अब हम कहते हैं जो काम की इक्वेशन, दो इक्वेशन बना रहा हूं, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन और एक रोटेशनल मोशन की इक्वेशन। ट्रांसलेशन की इक्वेशन में लिखूंगा एफ प्लस एफ आर, यह एफ है और यह एफ आर, दोनों सेम डायरेक्शन। एफ आर इज एक्टिंग फ्रिक्शनल, एफ आर इज एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकता है। जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू जीरो से मैक्सिमम तक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकती और जीरो से कम नेगेटिव नहीं हो सकती। दिस एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यह ट्रांसलेटरी मोशन की इक्वेशन हो गई। यह इक्वेशन इस स्फीयर के ट्रांसलेशन की, जिस जो हमको ए से एक्सीलेट होता हुआ दिखा, जिस डायरेक्शन में वहां एक्सीलेटेड, उस डायरेक्शन में सिर्फ दो ही फोर्स है, दोनों फोर्स पे कौन पड़ा। अब रोटेशनल मोशन की इक्वेशन ना, तो अल्फा से वहां एंगुलर एक्सीलेट कर रहा है, इस एंगुलर एक्सीलरेशन को एक तो फोर्स को एक्सीलेट कर रहा है, फोर्स की वजह से टॉर्क मिलेगा वो तो एक्सीलरेटिंग टॉर्क हो जाएगा, तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से जो टॉर्क होगा वह डिसीलरेटिंग टॉर्क होगा। फोर्स की वजह से टॉर्क एफ आर इन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, और फ्रिक्शन की वजह से जो टॉर्क है दैट इज एफ आर इंटू आर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अल्फा वुड बी इक्वल टू आई अल्फा। मैं कंडीशन रखता हूं, यह दोनों इक्वेशंस बना ली। अब मैं कंडीशन रखता हूं, पहले तो आई की वैल्यू मैं जानता हूं, आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, यह चीज रखूंगा। दूसरा, फॉर नो स्लिपिंग, यदि हम कोई स्लिपिंग नहीं चाहते हैं तो ए मस्ट बी अल्फा आर। हम यह दोनों ही बात का इस्तेमाल कर लेंगे, तो एफ माइनस एफ आर इंटू आर, आई की जगह 2/5 एम आर स्क्वायर और अल्फा की जगह पर ए बाय आर। और हमें रेडियस कटता हुआ दिख गया है, और हम लिख सकेंगे 5/2 एफ माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम ए। मगर एम ए की वैल्यू हमें पहले से ही पता है, एफ प्लस एफ आर, तो इधर मैं लिख देता हूं एफ प्लस एफ आर। यह 5 ऊपर ले गया, 2 नीचे ले आया, इधर सिर्फ एम ए देखने लगा, एम ए की वैल्यू पहले दिख रही, और इधर से मुझे देखने लगा 5f माइनस 5fr इज इक्वल टू 2f प्लस 2fr। टू एफ को इधर ले आया तो इधर 3f, 5fr को इधर ले आया 7fr, तो fr इज इक्वल टू 3/7। यह एफ आर हो गया।
नाउ दिस इज एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स. ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स. जो फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर लगेगा प्योर स्लिपिंग के लिए, प्योर रोलिंग के लिए, प्योर रोलिंग के लिए इतना फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर लगना ही चाहिए. व्हाट एवर इज द वैल्यू ऑफ एफ, वहां पर कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगना चाहिए, 3/7 ऑफ एफ. अब नाउ द कंसेप्ट सेज दैट एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स. एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वह मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स के हमेशा कम या उसके बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता. दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. जो फ्रिक्शनल फोर्स वहां पर लग रहा है, लगता दिख रहा है, वो कभी भी मैक्सिमम अवेलेबल जो वहां पर है उससे ज्यादा नहीं हो सकता. अब एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स की जगह पर लिख दूं मैं 3/7 F, यहां पर एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, और मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स की जगह मैं लिख दूं म्यू एम जी. तो दिस फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 7/3 ऑफ म्यू एम जी, 7/3 ऑफ म्यू. फोर्स हमेशा इससे कम होना चाहिए. इससे ज्यादा फोर्स हुआ तो वहां स्लिपिंग होने लगेगी. हमने पूरा आंसर इनइक्वालिटी के फॉर्म में लेकर आ गए. फोर्स मस्ट बी लेस देन इक्वल टू, मतलब फोर्स इससे कम होना चाहिए, मतलब दिस इज मैक्सिमम फोर्स. सो मैक्सिमम फोर्स आई विल से दिस 7/3 म्यू एम जी. दिस मैक्सिमम फोर्स 7/3 म्यू की जगह पर उन्हें दे रखा है 2/7, एम की जगह पर 0.5, जी की जगह पर लेट अस से 10. तो यह कट गया और इधर मुझे दिखने लगा 100/3 न्यूटन, एफ जी इज 10. बड़े ध्यान से प्रॉब्लम नंबर 15 के सॉल्यूशन को देखें. यह सारे प्रॉब्लम कंसेप्ट क्लियर करने वाले होते हैं. इन प्रॉब्लम्स को करना आ गया मतलब आपको मैकेनिक्स का प्रॉपर कंसेप्ट डेवलप हो चुका है. मैं दोबारा समझा देता हूं. सबसे पहला इसमें सबसे की पॉइंट था अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. हाँ, 10/3, हाँ 10/3 फाइनल. सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इसमें है जो मैंने बताया कि अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन की डायरेक्शन जिसने सही तरीके से नहीं समझी वो सवाल को कभी नहीं कर पाएगा. सवाल को सिर्फ वही कर पाएगा जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन को सही से प्रॉब्लम स्टार्ट करते समय ही सोचेगा, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन वही सोच पाएगा जिसको रोटेशन का, टॉर्क का सही से कंसेप्ट बना हुआ. mg नॉर्मल रिएक्शन ये सब लिखना कोई बड़ी बात नहीं है. मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शनल फोर्स लिख देना कोई बड़ी बात नहीं है. और शायद इसके बाद भी जो मैं कर रहा हूं वो सब कोई बड़ी बात नहीं है. सबसे इंपॉर्टेंट बात तो सिर्फ यही है कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन समझ. जब टॉपमोस्ट पॉइंट से इस बॉडी को ऐसे खींचेंगे, फोर्स लगाएंगे, तो इस फोर्स की वजह से टॉर्क काफी अधिक होगा, जिसकी वजह से अल्फा काफी अधिक, और अल्फा काफी अधिक होने की वजह से रोटेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखेगा, ट्रांसलेट करने की टेंडेंसी कम रखेगा. और इस वजह से क्या होगा कि यह पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पीछे की तरफ स्लिप होने की टेंडेंसी दिखाएगा. इसकी बैकवर्ड स्लिपिंग को प्रिवेंट करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ. बस यह बात समझ. फिर यह लिख देना कि F+FR=ma. फिर यह लिख देना कि टॉर्क, इसकी वजह से एक्सीलेटिंग टॉर्क फोर्स की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से डिसीलेटिंग टॉर्क. टॉर्क इक्वेशन, आई की वैल्यू सबको पता होती है, नो स्लिपिंग की कंडीशन सबको पता होती है, और सारी चीज आगे लगा के सॉल्व कर दिया. फिर फ्रिक्शन फोर्स के लिए अब ये भी समझना कि हम प्रॉब्लम को हमेशा एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स के टर्म में काम करें. एक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा
ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन इक्वल टू एफ आर मैक्स ओपी। हम यह कहें कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ही लगेगा ऐसा जरूरी नहीं है, फ्रिक्शन फोर्स कई बार जीरो भी होता है। यदि कोई फोर्स ही नहीं लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जीरो हो जाएगा, फिर तो लगेगा नहीं। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जीरो से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है। अब लिमिटिंग केस में हमें फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू ले लेना चाहिए, यह जो एक्टिंग फ्रिक्शन फोर्स इट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम। दिस इज द फोर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग 16th प्रॉब्लम। A solid sphere is set into motion of a rough horizontal surface with linear speed v in forward direction and angular speed v by r anti-clockwise direction as shown in figure. Find the linear speed of a sphere when it stops and when the slipping finally ceases and pure rolling starts. Really a very, very interesting problem. इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है वेलोसिटी के डायरेक्शन को देखना और ओमेगा के डायरेक्शन को देखना और यह समझना कि इधर ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर जरूर है, वी इक्वल टू ओमेगा आर देख जरूर रहा है, मगर फिर भी इधर प्योर रोलिंग नहीं हो रहा है। इन फैक्ट इधर तो प्योर स्लिपिंग हो रहा है और जबरदस्त स्लिपिंग हो रहा है। V इक्वल टू ओमेगा आर है जरूर, मगर डायरेक्शन देखिए, वेलोसिटी की वजह से भी है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आगे की तरफ और रोटेशन ओमेगा की वजह से भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आगे की तरफ ही जा रहा है। इस केस में स्फीयर का यह जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है यह पूरी तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्लिप हो रहा है। हियर वी आर ऑब्जर्विंग फॉरवर्ड स्लिपिंग ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। इस केस में सबसे पहले यह बात समझना कि फ्रिक्शन फोर्स पूरी तरह से पीछे की तरफ ही लगेगा। और यह फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगते हुए वेलोसिटी को भी कम करेगा और ओमेगा को भी कम करेगा। वेलोसिटी को कम करते करते अल्टीमेटली एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यह स्फीयर मोमेंटरीली रेस्ट पर आ जाएगा और मोमेंटरीली रेस्ट पर आने के बाद स्फीयर पीछे की तरफ जाने लगेगा और अल्टीमेटली वी इक्वल टू ओमेगा आर पीछे की तरफ जाते हुए बन जाएगी। इतनी बात मैंने समझाई, अब 2 से 3 मिनट आप लोग पहले कोशिश। वेलोसिटी इस तरफ, ओमेगा आर की वजह से ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इस तरफ, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ। यह फ्रिक्शनल फोर्स वेलोसिटी को भी कम करेगा, ओमेगा को भी कम करेगा, वेलोसिटी को तेजी से कम करेगा। वेलोसिटी को तेजी से कम करते हुए मोमेंटरीली एक ऐसा पॉइंट आएगा जब स्फीयर रेस्ट पर आ जाएगा
एक ऐसी सिचुएशन इधर कहीं बनेगी आगे बढ़ते हुए, जब इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और एंगुलर वेलोसिटी कुछ ओमेगा डैश और फ्रिक्शनल फोर्स अभी भी यही, दिस इज नाउ वी डैश इज जीरो। और फिर इसके बाद ये स्फीयर पीछे की तरफ आने लगेगा और फाइनली इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट और वेलोसिटी वी नॉट और यहां प्योर रोल करने लगे। इस तरह से यह स्फीयर पहले तो इस तरह से रिलीज करने के बाद आगे जाएगा, आगे जाने के बाद यह स्फीयर पीछे जाने लगेगा और फिर प्योर रोल करने लगेगा। आप चाहे तो वहीं पर बैठे बैठे इस काम को करके देख सकते हैं पेन के साथ, स्फीयर के बजाय कोई सिलेंडर ले ले,